सबको नमस्कार। गोवंश को हमने कामधेनु, गोमाता, गोधन बताया है। बहुत बार लोगों को प्रश्न होता है उसके पास एक ही गोवंश है, एक ही गोधन है, गाय है या बैल बछड़ा है, तो उससे कैसे स्वावलंबन या उससे हम क्या कमाई कर सकते हैं। तो वो उस पर ज़रा विचार बहुत बार सोचते रहता है, उसको ध्यान में नहीं आता है। तो ये स्पष्ट है कि एक बड़ी गाय, परिपक्व गाय, 10-12 किलो तक गोबर प्रतिदिन देती है। गौमूत्र 4-5 लीटर तक होता है, और ये गोबर गौमूत्र का उपयोग किया तो कम से कम 400-500 रुपये प्रतिदिन कमा सकता है। ये वास्तविकता है, और इसका विश्लेषण थोड़ा देखेंगे कि जैसे 10-12 किलो गोबर से उसके पास, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है, थोड़ा सा किसान है, छोटी सी जगह होगी, आसपास में उसको पत्तियाँ, टहनियाँ, जिसको बोलेंगे विघटनशील कचरा मिल जाता है, तो उससे वो केंचुआ खाद लगभग 20-25 किलो बना सकता है, जिसकी कीमत 250-300 रुपये है। तो केवल गोबर से खाद रूप में वो 250-300 रुपये बना सकता है, तो उसका कमाई कर सकता है। इसके आगे जाकर गोबर से कहीं मंजन बना रहा है, कहीं धूप बना रहा है, कहीं हवन सामग्री बना रहा है, कहीं पर वो उपले बिक्री कर रहा है सीधे बनाकर, और इसमें गौमूत्र से जैसे हम बात करेंगे कि कीट नियंत्रण बना रहा है स्वयं के लिए और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लिए, उनके लिए गौमूत्र का जो बड़ी औषधि है, गौमूत्र पूजा की सामग्री के रूप में, गौमूत्र फिनाइल के रूप में। तो ये एक गाय से, और जब उसके पास थोड़ा सा, जैसे कहीं होता है कि वो बोलते हैं एक गुंठा है, एक बीघा है, दो बीघा है, कभी आधा एक एकड़ है, औसत किसान है, बहुत छोटी सी ज़मीन है, उसमें वो जड़ी बूटियों से लेकर बड़ी अच्छी छोटी मोटी खेती भी कर रहा है, तो गौमूत्र, गोबर से अमृत पानी, गुड़ से अमृत पानी, कीट नियंत्रक और केंचुआ खाद, अन्य कंपोस्ट, ये जब बनाने लगता है तो उसको खेती में खर्चा शून्य हो जाता है, और उसके बाद उसका कार्य एकदम आगे बढ़ता है कि वो खेती में इसका खर्च, क्योंकि उसको कोई यूरिया, फॉस्फेट, DAP कीटनाशक नहीं डालना पड़ता, और इस तरह की खेती करने से खेती भी सफल होती है, अन्य किसानों को प्रेरणा मिलती है, और एक गोवंश से संभव हो पाता है। यानी हमने देखा है किसने सही ढंग से काम करने वाले ने एक गोवंश से एक एक एकड़ को बहुत अच्छी तरह से सफल बना दिया है, अच्छी खेती के रूप में और अच्छे गोपालन से, और फिर धीरे धीरे उसमें प्रगति होती है, तो फिर वो अपने आप गोवंश बढ़ाने लगता है।